प्रेम पाकिस्तान और पचड़े में सीमा हैदर और सचिन की जान लगातार सवालों के दो चार होते हुए अब जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि सीमा हैदर की तबीयत जो है कल रात से ही खराब हो गई थी। सुबह डॉक्टर भी आया और देख करके गया है, कहा जा रहा है स्ट्रिप लगाया गया है और उनकी जो तबीयत है उसमें थोड़ी सुधार होने की जो चांसेस हैं वो बताए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो है लोगों का जमावड़ा जो है वो एक बार उधर दिखा दीजिए कि वो इनके घर के आमने सामने बढ़ गया है, क्योंकि लोग लगातार यहाँ पर देखने के लिए भी आ रहे हैं और इन सब के बीच जो तस्वीरें हैं वो बेहद अलग परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए। और इन सब के बीच दरवाजा दिखा दीजिए, क्योंकि देखिए सुबह से ही बंद है दरवाजा और जब भी यहाँ पर मीडिया के लोग आते हैं कोशिश करते हैं बातचीत करने की तो फिलहाल कोई अंदर से रिस्पांस नहीं कर रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तबीयत खराब है तो ऐसे में बातचीत नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जो तबीयत है वो कैसे सुधरेगी वो एक अलग मैटर है, लेकिन दूसरी तरफ एटीएस है और भारतीय कानून है जो लगातार वीडियो में जकड़ रहा है और सवालों के घेरों में लगातार इनको ले रहा है। कैमरा पर्सन मधुर के साथ अंकित मिश्रा, नोएडा, भारत एक्सप्रेस। आप सचिन के पापा हैं? हाँ जी। सीमा की अभी तबीयत कैसी है? बहुत खराब है, मरने वाली है, मर भी सकती है, इतनी तबीयत खराब है। क्या हुआ है? ग्लूकोज चल रही है। डॉक्टर आए थे? डॉक्टर आए रात भी और अब भी डॉक्टर आए। सचिन की भी तबीयत खराब है? हाँ दोनों। तो अस्पताल में भर्ती नहीं कराएंगे? अभी कराएंगे, अब होश तो हो जाए ना। अच्छा, क्या बोला है फिलहाल डॉक्टरों ने? डॉक्टर ना भर्ती करनी पड़ सकती है।